तो बॉस पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी द लेजेंड ऑफ मोरेजेट को फाइनली 23 दिन कंप्लीट हो चुके हैं रिलीज हुए, जिसने बॉलीवुड के टॉप एक्टर और 200 हाईएस्ट बजट में बनने वाली फिल्मों को भी पीछे छोड़ के रख दिया है और एक हिस्ट्री बना के रख दिया है। तो दोस्तों इन सब के रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे आपको इसी वीडियो में, और इस मूवी ने कौन से नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं वो भी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप डाई हार्ड फैन हैं द लेजेंड ऑफ मोरेजेट मूवी के और कर रहे थे इस मूवी का वेट, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म एक्शन थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जो कि पाकिस्तानी 50 से 55 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है और इंडियन रुपीज़ में ये मूवी तकरीबन 23 से 24 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिलाल अशारी ने और ये मूवी मोलाजट 1979 का रीमेक है। आपको बता दें कि ये मूवी पाकिस्तान की मच अवेटेड फिल्म है, जिसको 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया और इस मूवी का जो ट्रेलर है 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था। और फाइनली जब 4 साल बाद इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो दोस्तों फैंस में बहुत ज़्यादा इस मूवी का क्रेज़ बढ़ गया और यही वजह है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही धमाकेदार था, बहुत ही अमेजिंग था। आपको बता दें कि ये मूवी पाकिस्तान की वो वाहिद मूवी थी जिसने 3 दिन में ही 25 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था और साथ साथ बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में संजू और सुल्तान को भी पीछे छोड़ के रख दिया था। आपको बता दें कि ये मूवी IMDb पर भी बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग हासिल कर चुकी है और ये मूवी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग हासिल करने वाली मूवी भी बन चुकी है। आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 9.5 रेटिंग मिली है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। और दोस्तों आपको मज़ीद बता दें कि इस मूवी ने और भी नए फिल्मों को भी पीछे छोड़ कर रख दिया है, बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ कर रख दिया है। इस मूवी ने आमिर खान, जो कि बॉलीवुड के मोस्ट लविंग एक्टर हैं, उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा को भी पीछे छोड़ कर रख दिया है पूरे लाइफ टाइम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। और इसके अलावा इस मूवी ने बॉलीवुड हिस्ट्री की आज तक की सबसे महंगी तरीन फिल्म RRR को भी पीछे छोड़ कर रख दिया है सिर्फ 17 ही दिनों में। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कर रही है और इंडियन भाई जो हैं, इंडिया के टॉप डायरेक्टर और दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। इंडियन फैंस भी इस मूवी का वेट कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये मूवी अगर इंडिया में रिलीज़ हुई तो दोस्तों ये मूवी और भी बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस क्रैशिंग कर सकती है। दोस्तों इस मूवी को इंडिया से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बॉक्स ऑफिस क्रैशिंग के बारे में, तो आपको बता दें कि ये मूवी पाकिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हासिल कर रही है और इस मूवी ने अपने पाकिस्तान से पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये कलेक्शन किया, दूसरे दिन 2.80 करोड़ और तीसरे दिन 3.45 करोड़ रुपये कलेक्शन किया। इस तरह ये मूवी कलेक्शन करती रही और 23वें दिन यानी कि 23 दिनों में इस मूवी ने टोटल 55 से 56 करोड़ रुपए तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है सिर्फ पाकिस्तान से। और दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के ओवरसीज़ की, तो आपको बता दें कि इस मूवी को ओवरसीज़ में USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला है और ये मूवी ओवरसीज़ से 23 दिन में 122 करोड़ रुपए तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि ये मूवी 23 दिन में टोटल वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पाकिस्तानी मूवी के लिए और बहुत जल्द ये मूवी 300 करोड़ रुपए के कलम में शामिल होने जा रही है। तो दोस्तों क्या आपके ख्याल में ये मूवी 300 करोड़ रुपए के कलम में शामिल हो पाएगी या नहीं, ये कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान पर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।